तो भाई हम लोग क्लासिक गोट फार्म पे है। जैसे हम लोग ने अंदर वीडियो शूट किए थे बड़े बकरों की, तो उसमें से इल्लू भाई मतलब खान भाई ने जो बोले थे कि हम लोग 5 से 6 बकरे बाहर बड़े निकाल के शो करेंगे जो अंदर गर्दी में समझ में नहीं आएगा। तो कौन से बकरे चालू करेंगे इल्लू भाई? स्टार्टिंग करते हैं अपन यही बकरे। ठीक है, देखो ये बकरा जो है ना अराउंड 125 केजी से प्लस में आएगा। 125 केजी प्लस में आएगा। 43 हाइट से प्लस में कंफर्म नहीं है बकरा। 43 प्लस हाइट का कंफर्म बकरा है। वेट और वजन जो भी अपना हाइट का जो भी वीडियो लगेगा थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा कि थोड़ा मैं दूर से बकरे को ले रहा हूँ वीडियो में। ये बोल रहा हूँ कि इसकी हाइट जो है ना 43 प्लस में है। ओके, और इंशाल्लाह इसका जो भी वेट का वीडियो है और हाइट की वीडियो है ना वो जरूर अगर कस्टमर स्क्रीनशॉट मार के भेजेगा ना तो आपको इसका दे देंगे जो भी रहेगा वीडियो उसको। और ये मतलब वन ऑफ द मेरे को अच्छा लगता है बोल नहीं सकते वन ऑफ द ब्यूटीफुल गोट्स मेरे पास जो है सोजत में लंबे कान में। तो उसको हैदराबादी क्रॉस बोलोगे? हैदराबादी क्रॉस बोलेंगे अपन। तो उसकी व्हाइट आईज है? नहीं व्हाइट आईज नहीं है, नॉर्मल आईज। तो चला के थोड़ा दिखाओगे आप इसको? तो आप एक एक बकरा लेके शोकास करते रहोगे तो बकरे का चाल चलन भी दिखा देंगे हम लोग। बकरे में चलने में या कोई तकलीफ है? थोड़ा आगे लेके आके एक राउंड करो। ये देखो इतने हैवी हैवी ना टायर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बकरों में कोई तकलीफ नहीं चलने के। छोड़ दूंगा ना भाई, तो अभी ये देखो माशाल्लाह इसकी बगल बगल भी हो गई। मतलब ये 110 का अप्रोक्स ऊपर ही होगा। 120। अब दूसरा बकरा ले लो। दूसरा बकरा देखो ये भाई, ये अबलक में बच्चा है। इसकी खासियत क्या मालूम है? एक साइड से ये कलर है और हाँ बेटा बीच में खड़े रहो, एक कवर फोटो के लिए फोटो ले लेते हैं। यार देखो ठीक है, आप बताओ क्या बोल रहे थे? ये बकरे का खासियत ये है ना, एक तो ये छोटा है नटिया साइज में, इसका देखो कम हाइट में भी ना इसने ये बगली देखो बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी तैयारी बताती है। और इसका कलर भी जो है ना ताहिर भाई देखो, एक साइड ये कलर है पैचेस में आया है, अब पलटा उसको और एक साइड से बकरा ये कलर में। अच्छा मतलब डिफरेंट कलर है दोनों बाजू से, मतलब एक एंगल से अपन दूसरा कलर दिखता है, एक एंगल से दूसरा कलर। तो बकरा खरीदता है तो भाई चेंज करके अपने बकरे को देखते रहे? ऐसा कुछ नहीं है, बकरा चेंज नहीं होता। नहीं मतलब एक दिन ये साइड से देख ले, एक दिन दूसरी साइड से देख ले, साइड से देख ले, मतलब फोटो ये साइड से भी खींच ले वो साइड से भी खींच ले और बोले दो बकरे। तो चला के दिखाओगे इसको? अभी लोग बोलते होंगे 110-120 का बकरा, लेकिन वीडियो में समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता ना, इसलिए तो लाइव अपन बोलते हैं ना कस्टमर्स को कि अपने पास लाइव आके एक मतलब। तो तीन बकरे हम लोग रोकेंगे, तीन या चार बकरे, जिसका हम लोग वेट का भी वीडियो बता देंगे। बट अभी ये कौन सा गुजरी है? सोजत है। सोजत है भाई, प्रॉपर सोजत है। ठीक है अब तीसरा बकरा दिखाइए। ये कौन सा सोजत है? पतीरा है? ये सोजत है। अच्छा इस पे आग के पास आ गया स्पॉटेड। सोजत है, पतीरा नहीं, पतीरा इतने हाइट में नहीं मिलता। हाँ वो तो नटिया ही रहते हैं, क्रॉस कोई हो गया तो थोड़ा हाइट पकड़ लेगा। ये बकरा जो है ना 40 के आसपास की हाइट का है। ओके, और 110 का जो है अराउंड इसका वेट होगा, 110-111 या उससे 1-2 किलो कम ज्यादा। तो ठीक है हम लोग इसको वेट के रख लेते साइड पे, इसको वेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है तो चला के इसको दिखा के ग्राउंड मार के फिर चाचा के हाथ में दे देंगे उसको। थोड़ा चला के दिखाओ चाचा, वहाँ पर थोड़ा घुमा के दिखाओ कि पैर में कुछ कैंची वैची तो नहीं है। बस आप उसको वहाँ ले खड़े रहिए, चलो अभी ये बताएंगे। ये चौथा बकरा है, ये चौथा बकरा है, इसकी हाइट 41-42 के आसपास की हाइट है। बकरा भी तुम्हारे सामने छोटा दिख रहा है। मेरे सामने छोटा क्या, मेरे सामने तो हर बकरे बड़े दिख रही है लेकिन ये छोटा दिख रहा है। ये 110 के आसपास का इसका वजन होगा इंशाल्लाह। 110 ओके, अपन एक कर लेंगे, इसका भी वेट कर लेंगे इंशाल्लाह कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम लोग ऊपर से पतीरा जो है नटिया पतीरा वो उसका भी वेट कर लेंगे। अच्छा ठीक, नटिया पतीरा है ना जो, हाँ मैंने जो जिसका 95 तुमको बोला था कि 95 केजी के आसपास। अच्छा तो उसको भी एक वेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे इंशाल्लाह। खुद चला के दिखा दो, नसल को चला के दिखाओ जरा। और इसका भी प्राइस? प्राइस तो भाई इसका अपन 110 मांग रहे हैं, 1,10,000 रुपया। 110 वो भी नेगोशिएबल, थोड़ा स्लाइटली नेगोशिएबल करेंगे तुम्हारे सब्सक्राइबर के लिए। थोड़ा लेके आगे तो घुमाओ, ठीक है इसको साइड पर रखिए, इसका वेट करेंगे। अरे माशाल्लाह
गोल मटोल, गोल मटोल इसका कुछ नाम रखे हो? नाम तो पॉसिबल नहीं होता ताहिर भाई, इतने सारे 1200 बकरों में कहां हम लोग नाम रखे। मैं तो एक ही नाम सुना हूं, टमटम। टमटम वो मेरा फेवरेट है, मालवा। और कोई बकरे का नाम रखे नहीं अभी तक का? नहीं, वो मैं नाम नहीं रख पाता, वो टमटम इसलिए कि वो थोड़ा मेरा फेवरेट है। अच्छा, ये भी इंशाल्लाह 110 प्लस ही निकलेगा अल्लाह ने चाहा तो। नहीं माशाल्लाह हाइट में भी अच्छा है ये भी, इंशाल्लाह निकल जाएगा 115 के आसपास ही निकल जाना चाहिए। मैं 150 सुना, 15 नहीं नहीं सॉरी भाई 150 नहीं 115 115 115 115 किलो के आसपास निकल जाएगा। तो चला के दिखाओ उसको, माशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं। नहीं माशाल्लाह इसकी बगल तो और दिख के आ रही चलने पे, चलने में बगल और दिखते है ताहिर भाई। जब बकरा स्टेबल रहेगा तो बगल नहीं दिखेगी, जब चलेगा तो ये बगल हिलती है यहाँ से। बकरे को छोड़ोगे आप? बिल्कुल तो छोड़ेंगे, खुद ही चलता है वो, कोई ऐसा तकलीफ या कोई ऐसा। इसका फेस तो देखो ना, फेस का पंच देखो ताहिर भाई, फेस का ये मतलब क्रॉस है कि प्योर सूरज बोला जाएगा पंच फेस में। प्योर फेस है माशाल्लाह, गुलाबी पे पूरा कान भी गुलाबी है, पूरा गुलाबी बच्चा। खाली उसका ऐसा गर्दन पे स्पॉट आया है उसका, बाकी पूरा गुलाबी बच्चा। अच्छा अब कौन सा बच्चा है? अब एक छोटा, ये पांचवा था ना, ये पांचवा था। एक छोटा बच्चा जो 100 किलो के आसपास का है, 100-102 किलो के आसपास में ये बकरा उतरेगा, छोटा बच्चा है। अब लगने पर आप तो अभी फिर भी एक अंदाजा रेट बता, मतलब वजन बता रहे, क्योंकि गर्मी की वजह से तो बकरा वजन थोड़ा ही होगा, कन्फर्म होगा। मैं एक अंदाजा वेट बता रहा हूँ, वैसे तो अपन कांटे पे इंशाल्लाह तो करके दिखा देंगे। ओके, अंदाजा वेट है देखो बच्चा, देखो माशाल्लाह छोटी हाइट में एकदम गोल मटोल बच्चा। अच्छा बकरा अगर हम लोग मतलब कस्टमर रहता है या मैं रहता हूँ, बिल्कुल, तो कस्टमर अगर तुम्हारे भलाई का बकरा लेता है कि खान भाई अपने हिसाब से बकरा बताओ, हाँ, कि क्या चीज देखने बकरा लेना चाहिए कि बकरा माशाल्लाह अगर 70 पे है तो 100 क्रॉस होना चाहिए, तो उसमें क्या दिखना चाहिए? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाया देखना पड़ता है उसका। सबसे पहली बात ना भाई, अल्लाह के हुक्म से ही बकरा बनता है, बराबर ये बात तो सब। अपने तजुर्बे से इंशाल्लाह बताते हैं। अच्छा जैसे पैर, उसके अच्छे पैर का बकरा हो और थोड़ा बोन स्ट्रक्चर उसका अच्छा हो, स्टैंडिंग पोजीशन अच्छी हो, और बकरा किस तरीके से खाने पीने में है, किस तरीके से उसका डाइट चल रहा है, वो हिसाब से अपन सब कस्टमर को सजेस्ट करते हैं बकरा पल्टी के हिसाब से। तो इसका क्या रेट रहेगा? इसका इंशाल्लाह भाई 90 आस्किंग है, थोड़ा वो निगोशिएट कर देंगे। ये तो हम लोगों ने बड़े बकरों में से निकाला, आपने बोले 1 लाख के ऊपर के बकरे हैं। देखो भाई जो चीज़ है बड़े बकरों में बोला ना, कुछ बकरे 85 से अपन ने प्लस में बोले थे, 85 से रेंज में 150 तक। अच्छा 85 बोले थे आपने, 85 से लेके 2 लाख के नीचे तक, 150 के आसपास के बकरे अपने पास रहेंगे। ठीक है, तो वो पतीरा निकाले है आपने, छोटा वाला जो बोला था वीडियो, पतीरा निकाल ले। तो 4 बकरे हम लोग वजन करा लेंगे, एक तो ये करा लेंगे, 1-2 सब कराएंगे, पांचों पांचों करा लेंगे, पांचों 4 बकरे तो भारी है। ये इसको एक तो पकड़ो, वो ऊपर पतीरा, अजमत पतीरा कहाँ पे? उसमें से ऊपर से पतीरा निकाल, वो पतीरा निकाल लेते। शॉर्ट साइज में, शॉर्ट साइज में इसका रेट हम लोग ने बताए थे वीडियो में? नहीं नहीं, इसका रेट अपन ने नहीं बताया, इसको तो हम लोग ने वो डिस्क्लोज नहीं करना है ना। नहीं इसको डिस्क्लोज नहीं करना, ये इंशाल्लाह आवे लोग मैं सामने से देखे पसंद करे फिर इंशाल्लाह इसका रेट करेंगे। अब इसका भी अप्रोक्स बता दो, वेट 95 के आसपास का होना चाहिए इंशाल्लाह। दांत दिखा देंगे, दांत दिखा देंगे भाई, 8वां लगा रहा है, 8वां लगा रहा है, ठीक है चलेगा। चलो उसको वेट करा लेंगे बकरों को। हम लोग आ गए हैं वेट करने के लिए बकरे, तो आप देख सकते हैं ये 0। तो भाई इल्लू भाई आराम से करके बकरा चढ़ाओ जी। पहला बकरा जो आपकी पसंद बोले ना आपने वेट करने के लिए, इसका मैंने 115 के आसपास बोला था, देखो क्या उतरता है। इसको बंद कर दीजिए जी। माशाल्लाह 116-117। हाँ भाई चलो ठीक है, आपके बोलने से 2 किलो ऊपर है। हाँ वो वजन थोड़ा गर्मी है ना ताहिर भाई, नहीं तो वो 120 किलो के आसपास टूटता, लेकिन गर्मी में थोड़ा दाना पानी बकरे थोड़ा कम खाते ना, तो उसके वजह से तो अपन मुझे तो लगा था कि कम होगा, लेकिन आपके बोलने से 2 किलो ऊपर ही है भाई। नहीं नहीं भाई, अपन क्या ना वाजिब बताएंगे, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देके फिर वो सौदा करना, मेरे को भी थोड़ा सा। ये पतीरा है, 90-95 के आसपास अपन बोले थे। देखो 97 भाई, तुम्हारे बोलने पे ही हो रहा सब कुछ। नहीं भाई देखो ना बकरा ये हालांकि दिखता नहीं है ताहिर भाई, छोटा हाइट का है ना, दिखता नहीं है। देख लीजिए क्लासिक गोट पाम की कॉन्सपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी 0 पे है। ये तीसरा बकरा है, ये तीसरा बकरा है अपना ताहिर भाई, इसका भी मैंने 110 के आसपास आपको वजन बताया था कि 110 किलो के आसपास आना चाहिए, देखते क्या आता है इंशाल्लाह। चलो देखते हैं, अरे माशाल्लाह 119 118 पे आया, देखो जितना बोला उससे 8 किलो ज्यादा ही आ गया। अरे भाई चलेगा,
ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन लोगों को कम बता के नहीं, कम नहीं बताएंगे भाई, कम बता के फिर वो आदमी अपने पास आवे डिटेल्स की नहीं नहीं मांगेगा। आपने वीडियो में कम बता दिए, ये वीडियो मशीन पे आपको मालूम पड़ गया 118 है। हाँ। तो वो अपने कम बताए वो चलेगा, ज्यादा बताए कम होना वो एक गलत बात है। ये भाई ये तो माशाल्लाह कोई मटेरियल शॉर्ट हाइट में सोचा, 100 kg के आसपास बताया था कि 100 kg। चलो भाई ये काम हो गया, 3 किलो 3 किलो 96-97 पे आ रहा है। ठीक है इसको भी निकाल दो, अभी लास्ट बकरा बचा है, बकरा बचा है जिसका अपन ने 110 के आसपास इसका भी वजन बताया था अपन ने, 110 110 के आसपास उसका भी अपन ने बोला है। देखो क्या उतरता है, चलो ये भी चढ़ा दो। चढ़ेगा चढ़ेगा, हैवी बकरा है। कितना बताया था आपने? 110 के आसपास बताया था ताहिर भाई, 112 है। तो चलो ऑलमोस्ट 90% सही हुआ, एक चलेगा। एक बकरे पे 3 किलो फर्क, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका ये बकरा का सोल्ड आउट हो जाता है। हाँ। और किसी के बाद डिलीवरी से पहले आपको टोकन अमाउंट में पूरा अमाउंट चाहिए बकरे का कि डिलीवरी के टाइम पे पूरा अमाउंट भेजना है? साहिर भाई ऐसा है ना कि ये बड़े बकरे जो होते हैं ना, ये टोकन अमाउंट से तो अपन ₹1,00,000 का बकरा क्या टोकन लेंगे भाई, एटलीस्ट अपने को 50-60% मतलब ₹1,00,000 का बकरे पे 50,000-60,000 आपको चाहिए। अपने को कम से कम टोकन अमाउंट, ऐसे टोकन अमाउंट अपने को लगेगा, बाकी जैसे सहूलत तो है कि अपन उनके साथ बात कर लेंगे। और अगर 1,00,000 में आपका बकरा सोल्ड आउट हो गया, हाँ, तो उसका पलाई चार्जेस देगा कि उसमें इंक्लूड रहेगा? अपना पलाई चार्जेस कैसा है, ₹100 पर डे का बकरा है, चाहे आप 10 दिन रखो या तुरंत लेके जाओ, क्योंकि आज मैंने सौदा कर लिया ताहिर भाई, तो शरीयतन क्या होता है, आज आपका हो गया बकरा सामने वाले का, तो आप जो भी खाएगा वो आप खिलाओगे आपके उसमें जाएगा, अगर मैंने वैसा सौदा करूंगा तो वो मेरा खिलाऊंगा। मोस्टली मैं ऐसा सौदा नहीं कर रहा हूँ, जनरली ऐसा सौदा कर रहा हूँ कि भाई आज बकरा आप खरीद रहे हो, आज से जो भी पलाई होगी वो ₹100 पर डे के हिसाब से कस्टमर को पे करना है। तो अगर बकरा आपके 50 kg का बिकता है, हाँ, या 120 kg का बिकता है, सबका ₹100 रोज का चार्ज है, ₹100 है, कोई ऐसा पार्शियलिटी नहीं है कि भाई इसका ₹100 ले रहा हूँ तो बड़े बकरों का 150 लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है आपका एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बोल दीजिए। जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9892104171। वापिस बोलेंगे एक बार, 9892104171 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, बाकी नदीम भाई का नंबर है, नंबर आप मेंशन कर दीजिए। और सेकंड डे आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं कि यार टाइमिंग है कॉल करने का? भाई टाइमिंग प्रिफरेबली तो मैं जनरली 12 बजे के पहले या 1 बजे के पहले कॉल करेंगे नाइट में तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा क्या हम भी थक जाते हैं तो सोने का टाइम हो जाता है, बाकी दिन में आप 8 बजे के बाद कभी भी रात के 1 बजे तक करो, मैं इंशाल्लाह सुबह में 8 बजे के बाद, सुबह 8 बजे तो आप जल्दी उठ जाते हो? मैं थोड़ा जल्दी उठता हूँ। आप तो फार्म पे तो रोज ही मिलोगे बकरे ईद तक का, तो इंशाल्लाह जरूर। ठीक है लो भाई यही करते वीडियो एंड, चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।